हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में रीडिंग देखना चाहते हो, जिस भी व्यक्ति को लेके, उनका नाम मनीमंत हो रहा है और हम देखते हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता ना भी हो, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति को लेकर रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग क्या है, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। We have Ace of Cups, King of Wands, we have World, we have Four of Pentacles and the Ten of Cups. Okay. राशि में सबसे पहले आपको बता दूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन। एनर्जी गाइज यहाँ पे मोस्ट स्ट्रॉन्गली है। नंबर्स में 1, 4, 10, 21 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, यस। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, इस व्यक्ति की फीलिंग्स राइट ना आपके लिए बहुत हाई हैं, बहुत इंटेंशनली नजर आ रही हैं। इस व्यक्ति को इंटेंशन क्यों हो रही है आपके लिए? बिकॉज दे हैव अ फियर, लाइक यू लेफ्ट हिम और हर बिहाइंड। इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ हिल जाएगी, उनकी लाइफ आपके बिना हो ही नहीं सकती। ठीक है, दे फियर, दे हैव फियर राइट नाउ, राइट। सो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ आपके लिए और देखने के लिए। एस ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। मैजिशियन, ओके, बॉटम से आ रहा है फोर ऑफ कप्स। मैंने बोला था फियर है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, मुझे पहले ही फील हो रहा था यहाँ पे। यहाँ पे व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे तो उनका क्या होगा, या फिर अगर आप इसको नहीं मिले तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डर है इनको आपको खो देने का, और ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, चाहे जैसे भी रहो बट रहो इनके, इनके इनका ही अधिकार हो आपके ऊपर। ये प्यार करे तो सिर्फ आप ही, मतलब आपको प्यार करे कोई तो यही करे, आपके साथ में रिश्ता रखे तो कोई यही रखे, आपको देखे तो कोई यही देखे। ठीक है, किसी अनदर पर्सन को लेके इनको बहुत जेलसी फील होती है, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। और इस पर्सन को मे भी आप ऐसा या तो फील करा रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो लाइफ में कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगी, या फिर मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ अवेलेबल, राइट। अब तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो या फिर कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊँगी, मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगा, इस तरह का फीलिंग लाइक कि नाउ आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, राइट। जब इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि आप, आपका ही इंटरेस्ट इस व्यक्ति में नहीं है, अब आप ही इसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, या फिर अब आप इनको वो नहीं देना चाह रहे हो जो आप इनको बिन मांगे दे रहे थे। ठीक है, आप कह रहे हो कि पहले मैं तुम्हें बिन मांगे दे रही थी, अब मैं तुम मांगोगे तो नहीं तुम्हें दूंगी, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे कि पहले बिन मांगी मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो वही एनर्जी हो गई इस व्यक्ति की। तो ये व्यक्ति राइट नाउ ऐसा फील कर रहे हैं, आज जब मैं मांग रहा हूँ, जब मुझे चाहिए तब मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो ये आपको लेके ना पजेसिव एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, दे मैनिफेस्टिंग यू, दे वॉन्ट यू, राइट, दे वॉन्ट टू, जैसे ये कह रहे कि मुझे हर कीमत पर ये चाहिए और मुझे यही चाहिए, मुझे इसी का प्यार चाहिए। जस्ट लाइक अ फीलिंग लाइक अ जेलसी, समथिंग लाइक कि आई कैंट शेयर विद एनीवन एल्स, लाइक तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अ कंट्रोलिंग एनर्जी, राइट। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, तो दे वॉन्ट यू, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, क्योंकि दोनों एनर्जी गाइज यहाँ पे एसिस की आ गई है। तो आप समझ सकते हो ये व्यक्ति की लाइफ में चल क्या रहा है, जिद है यहाँ पे। आपको इंसान जिद पे आ जाना तो वो उसकी जिद को लेके वो कुछ भी कर सकता है, तो इनकी जिद हो राइट ना हो आपकी, मुझे तो यही चाहिए और ऐसा ही चाहिए और इसी तरह से चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, किंग ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन एंजल, वी हैव अ सन, वाह हो, एंड नाइन ऑफ कप्स। तो मैंने बोला ना इस व्यक्ति की आप जिद हो
और दूसरा व्यूवर्स देखो यहाँ पे हमें वहाँ पर कार सर के वही आया व्हील ऑफ फॉर्चून का और यहाँ पे वर्ल्ड का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस पर्सन की लाइफ में भी कई सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, राइट। अब इस व्यक्ति को आपकी तरफ एक तो झुकाव बहुत हो रहा है, अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो, बट राइट नाउ यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली एज यू कैन सी, ठीक है। तो इस व्यक्ति की व्यूवर्स अगर मैं फीलिंग देखूँ ना, आपने इनको अपने प्यार में बांध दिया है और ऐसा फील करा दिया है आपने इस वक्त इस व्यक्ति को कि ये तुम समझ लो कि अगर मैं नहीं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में तो तुम मेरे बिना रह भी नहीं पाओगे। तो ये व्यक्ति पहले इन चीज़ों को नहीं समझ रहे थे कि ये आपके बिना रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने इनको ट्रिगर किया है, जब आपने इनको एहसास दिलाया है, नाउ दे रियलाइज कि यार अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। कभी देखा नशा करने वाले व्यक्ति को? देखा होगा, अक्सर मिल जाते हैं सड़कों उड़कों पर या वैसे भी, है ना। तो जिसको आदत हो जाए ना, जब तक उसको मिलती रहती है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको 2 दिन ना मिले नशा करने वाले व्यक्ति को तो उसको तलब लगती है और वो तलब उसको कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक वैसी एनर्जी गाइस मुझे इस व्यक्ति की मिल रही है, आपको सुन के हंसी आएगी, मुझे बोलते हुए आ रही है तो आपको सुनते हुए आएगी। तो यस, आप इनके लिए नशा हो, जस्ट लाइक अ ड्रग, और दे आर डेस्परेट फॉर यू, लाइक कि मुझे अगर ये ना मिला तो मैं, जैसे कि वो तड़प आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो जो मुझे कार्ड के थ्रू फील हो रही है, इनको लग रहा है कि यार ये नहीं मिला ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा, ये जी नहीं पाऊँगी, या फिर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही मिल जाए। दे फील लाइक ये ना हो, दे आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड और फ्रॉम आउटसाइड, आप जैसे भी कहो, बट दे आर एम्प्टी, दे नीड टू फिल। अब फिलअप कैसे होगा? फिल होगा आपके प्यार से, आपकी अवेलेबिलिटी से, जब आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल हो जाओगे, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को चाहिए आपकी, ठीक है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे फिर से जुड़ रही है, वो मुझे नज़र आ रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं इस व्यक्ति की, दे आर मोस्ट हाँ वो नशे वाली एनर्जी गाइस मैं इसको कहूँगी, अट्रैक्शन बहुत है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, वी हैव अ टू कार्ड्स, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सो लेट्स सी, देख लो यहाँ पर आपके सामने कार्ड्स हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये पर्सन आपको पाने के लिए जिद पे है, ठीक है, कि यार मैं इसको पा के ही रहूँगा, दिखा ले नखरे कितने दिखाएगी या दिखा ले नखरे कितने दिखाएगा, जैसे जिद है मेरी, मुझे भी तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हैं कि जो आपको हैरान करेगा, ठीक है। और ये बहुत ही रिबेलियस एक्शन होगा, ये जिद से भरा हुआ एक्शन होगा, ये ऐसा एक्शन होगा जिस पे मे बी आपको भी बिलीव ना होगा और आप इस पर्सन से कुछ ऐसा या तो करवाना चाहते हो, ठीक है, ऐसा कुछ देखना ही चाहते थे कि यार ये कुछ ऐसा करके दिखाए पहले मुझे, तो बस वो होने वाला है यहाँ पे, वो मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। दे अप्रोचिंग यू वेरी स्ट्रांगली क्योंकि आप इनकी दुनिया हो, ठीक है, या फिर आप इनके लिए इतने ज़रूरी हो कि जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक इनकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं आएगी, आप इनकी सक्सेस हो राइट नाउ। जैसे कि कहते ना क्या पाना है तुम्हें, इन्होंने कहा मुझे ये पाना है, दिस इज़ माई डेस्टिनी, दिस इज़ माई वर्ल्ड, राइट। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं फोर ऑफ कॉइन एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, फोर ऑफ कॉइन स्ट्रेंथ। ओके, वी हैव अ फाइव ऑफ कप्स अगेन। अब ये व्यक्ति आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन आपसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है। अब ये व्यक्ति आपके सामने यहाँ पे घुटनों पे आ गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। वाई आई कैन सी द कार्ड्स अगेन, जैसे कहते हैं ना इंसान, फिर से वही एग्जांपल दूंगे तो आप कहोगे यार वही एग्जांपल दे रही है, लेकिन क्या करूँ, वही एनर्जी है कि जब इंसान को चाहिए होता है ना तो उसको पाने के लिए उसे झुकना भी पड़ता है, जब उसकी नीड होती है, नीड नहीं है वो झुकेगा नहीं, वो नहीं करेगा कुछ भी, लेकिन जब उसकी नीड है, उसे पता है कि यार इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, तो वो झुकेगा। तो इस समय आपके पर्सन यहाँ पर आपके सामने सरेंडर हो गए हैं बिकॉज दे हैव ए नीड। नीड किसकी? आपकी, ठीक है। तो आपसे कुछ ना कुछ या तो इसको चाहिए, मे बी कोई फाइनेंशियल टर्म हो सकता है किसी लोगों के लिए कि आपसे कोई फाइनेंशियली मदद चाहिए या फिर किसी तरह का फेवर चाहिए या फिर प्यार ही चाहिए, राइट, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट दे वॉन्ट, और जब उनके कहते हैं ना जब दिमाग पे चढ़ी हुई चीज़ें होती हैं
कि इंसान के दिल दिमाग पे कोई चीज छा जाए तो उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये वो एनर्जी है यहाँ पे, राइट। क्योंकि अगर इन्हें नहीं मिला तो ये काम तो चलेगा नहीं उसके बिना। टेन ऑफ कप्स को यहाँ पे इन्हें क्लेरिफाई करें, टेन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया कार्ड। सो यस, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड क्लेरिफाई कर रहा है, ये आपके सामने झुकेंगे 100%। पहले ये आपको ट्रिगर कर रहे थे, आपके साथ में रिश्ता रख नहीं रहे थे, आपको कुछ समझ नहीं रहे थे, इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला। अब ये खुद प्रॉब्लम में है, टेन ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पे, टेन ऑफ कप्स के, यानी इनकी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है। ये आपके आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए किस तरह से डेस्परेट है, एज यू कैन सी द कार्ड्स, राइट। तो ये एनर्जी का यहाँ पे दिखाई दी है कि ये व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं, जो आपको इतना बोल चुके हैं, अपशब्द आपसे कहीं ना कहीं आपके लिए कर चुके हैं, या फिर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट कर चुके हैं, आपको ट्रिगर कर चुके हैं, दे हैव रिग्रेट, इस बात पे नहीं रिग्रेट है। और ये कहीं ना कहीं इसीलिए आपके पर्सन आपसे रियूनियन या पैचअप यहाँ पे चाहते हैं। तो झुक के भी अगर आपसे माफ़ी मांग लें, कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांग लें, कह दें तुम जो कहो वो मैं कर दूँ, ठीक है, तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल भी रही है, कान पकड़ के माफ़ी मांग लेंगे बोलो तो, ठीक है। तो यस, आप कहो ना तो वही करेंगे ये, क्योंकि इनको आप चाहिए। आपका इस समय इनसे दूरी बनाना, इनसे दूर जाना, इनको ट्रिगर करना, इनको फॉर ग्रांटेड लेना, बात ना करना, इनके साथ में एटीट्यूड में आना और इनको फील कराना कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, ये जान लो, ये समझ लो, और इनको वो फील हो रहा है, राइट। तो इस पर्सन की आप एनर्जीज देख सकते हो। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, इनके पार्टनर की तरफ से। नेक्स्ट एक्शन सिक्स ऑफ सोर्ड, नेक्स्ट एक्शन में भी सिक्स ऑफ सोर्ड आया, एट ऑफ वेंड्स आया है, एंड द किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। बॉटम से आ रहा है आपके लिए फाइव ऑफ सोर्ड विद द टावर कार्ड एंड द, देख रहे हो यहाँ पे, अब फाइव ऑफ सोर्ड पर टावर आया है। फाइव ऑफ सोर्ड यानी जो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में मन मुटाव चल रहा था, या फिर जो चीज़ें आपके कनेक्शन में ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो चेंज होने वाली है, ठीक है। क्यों चेंज होने वाली है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इसमें इतना रैपिड चेंजेस आ रहा है कि आपकी लाइफ में फाइव ऑफ सोर्ड से आप सिक्स ऑफ सोर्ड पे आ रहे हो, हाँ, दैट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट है यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें आपके कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी की तरफ दिखा रही है, एक रियूनियन की तरफ दिखा रही है, पैचअप की तरफ दिखा रही है, मन मुटाव सॉर्ट आउट करना, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है। तो यस, आपके पर्सन यही डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि वो आपके साथ में कनेक्शन को सही तरीके से डील करेंगे, अब आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, या फिर आपके साथ में इस तरह से मिसबिहेव नहीं करेंगे, मिस लैंग्वेज का, मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। और इसी वजह से आपके कनेक्शन में टावर आया, और इसकी एक और वजह यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी प्लस इंटेंशंस जो भी आपके कनेक्शन में रही हैं, एक्सपेक्टेशन रही हैं, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। तो चेंज की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे, सो यू नीड टू क्लेम इट, आई थिंक सो, राइट। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली कन्वर्सेशन आ रही है, और एक ब्लॉकिंग अगर सिचुएशन है तो दैट विल एंड सून ऑल्सो, राइट। सो लेसेस सम चैनल मैसेज फॉर यू। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पे क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके चैनल, इनके पार्टनर के चैनल मैसेज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें उनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं। ओके, आई ओनली वॉन्ट इट टू बी प्लेटोनिक, आपके पर्सन कहीं ना कहीं, भाई देखो अब इस समय एक ऐसे पर्सन बनना चाहते हैं जो जो पसंद आए आपको, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, आज जिसको हम कह सकते हैं कि भाई हाँ जैसा तुम कहो मैं वैसा बन जाऊं, ठीक है। मैंने आपको ये बात बोली भी थी, यू हैव अ ब्यूटीफुल सोल, आपकी सोल बहुत अच्छी है, आप अंदर से काइंड हार्टेड हो, लविंग एंड केयरिंग हो, यू आर सो सेक्सी, ये बात मैंने बात आपको बताई दी थी, ठीक है। लव यू, बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में आपके बारे में बात करी है, ठीक है, आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, आई लव यू मोर देन यू नो, आप जितना जानते नहीं हो उससे ज़्यादा आपको ही प्यार करते हैं,
आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, उन्होंने आपको चूज किया है। एंड आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। तो जितना आपको प्यार करते हैं ये उतना किसी और को प्यार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी बताया, यहाँ पे फैमिली की एनर्जी भी आई है, फ्रेंड्स की एनर्जी भी आई है। सो दे आर डिस्कसिंग योर कनेक्शन विद समवन एल्स आल्सो, सो दैट दे कैन फाइंड आउट सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, मे बी फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसे शेयर करते हैं। सो दैट जब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो कोई किसी और का दिमाग काम करे और वो हमें सोल्यूशन दे दे। तो ये प्रॉब्लम जो भी चल रही है ना आपके कनेक्शन में, क्योंकि आपके पास में कम बैक करना चाहते हैं तो ये डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है, या करेंगे ये जो भी है, राइट। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो ये आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।